हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। CBE 2024-25 की वर्कशीट आपकी आ रही है, वीक नंबर 2 है, कार पत्रक संख्या 2 है, गणित की है। यहाँ आपको अपना नेम, यहाँ अपना जो है सेक्शन, यहाँ अपना रोल नंबर लिख लेना है और ये क्लास 9 की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक्चुअली में एक क्या कर रखा है, एक पूरा का पूरा यहाँ पर आपको जो है एक बार ग्राफ दे रखा है, जिस बार ग्राफ में आपको होम अप्लायंस जो होते हैं ना, घरेलू उपकरण जो होते हैं, जैसे फ्रीजर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वो कितनी एनर्जी कंजप्शन करते हैं उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। और एक रिया नाम की बच्ची है जिसने क्या करा है, इसको बनाया है, और इसके अलावा कुछ अपने तरीके से उसने बनाने का प्रयास करा है, जिसमें उसने डॉट के माध्यम से बनाया है। अब देखो एक डॉट कितने उसका है, एक ये भी देख लेते हैं। यहाँ आप देखोगे एक ग्राफ जो है इसमें एक लाइन पर 100-100 का गैप आ रहा है, तो ये 100 हो गया और ये 200 हो गया। अब देखोगे माइक्रोवेव कितना 200 का है, और यहाँ डॉट के लिए उसने कितना 200 के लिए यूज़ करा है, तो इसका मतलब एक डॉट 100 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सही के आधारित प्रश्न को देखने में। उसने कहा वॉशिंग मशीन किस वर्ष में जो है बिजली, मतलब कितनी जो है प्रत्येक वर्ष बिजली खपत करता है। तो आप देखोगे ये वॉशिंग मशीन है और ये यहाँ पर आएगा, तो 1000 के जस्ट एक पहले है, ये बार ग्राफ गया पहले तक की लाइन तक, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 900। इसी तरीके से इन्होंने कहा 450 वॉट से अधिक खपत करने वाले उपकरण कौन से हो जाएंगे, तो याद रखना ऊपर आप देखोगे जाके रूम हीटर, वॉशिंग मशीन और फ्रीजर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा एक डॉट कितने को रिप्रेजेंट करता है, अभी बताया 100 को करता है। और रिया ने जो है, रिया की विधि के द्वारा जो है फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर की बिजली खपत के बारे में बताओ, तो फ्रीजर का आप देखोगे कुल कितना है, 1200 है, और 1200 के लिए कितने डॉट चाहिए होंगे, एक डॉट जब 100 का है तो 1200 के लिए 12 डॉट चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। तो 12 टोटल आपको यहाँ पर डॉट मिल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।